कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। के बिजली गिरे तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे, कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां। तो मैनेजमेंट्स ही होती हैं जो कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं, उनकी सोच होती है जो उनको चलाती हैं। मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं ऐसी मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि एक विजन के साथ काम कर रही है, जिसका एक विजन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिथुन ठाकुर है और मैं नाइस कंप्यूटर्स में एज अ टीम लीडर जॉब कर रहा हूँ। मेरे को काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। जिस तरह के आप सब लोग जानते हो कि पिछले दिनों लॉकडाउन की वजह से हज़ारों कंपनीज़ ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट्स ने अपना प्रॉफिट देखा, अपने मार्जिन देखे, उनको लगा कि इस लॉकडाउन की वजह से शायद वो इतने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी मैनेजमेंट की, नाइस मैनेजमेंट की, तो हमारी मैनेजमेंट ने भी शायद ऐसा सोचा होगा कि प्रॉफिट कट हो रहे हैं, मार्जिनस कट हो रहे हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं आ रही। लेकिन बजाय कि एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने के, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, अपनी पूरी टीम को इस तरह से मैनेज करा कि उनको मोटिवेटेड रखा, उनकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स थी प्लस उनकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स थी, उन सब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी बन पड़ता हो सकता हो उनको उन्होंने वो उनकी ज़रूरतें पूरी करी, उनको मोटिवेट करा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। आई हैव बीन वर्किंग इन नाइस कंप्यूटर्स एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनर फॉर 2 years। वेल नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम पॉइंट्स अबाउट द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन माय पर्सनल एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सो एज वी ऑल नो दैट नाइस कंप्यूटर्स इज अ नंबर वन इंस्टीट्यूट इन पंजाब ड्यू टू द एफर्ट्स एंड डेडिकेशन ऑफ सेंटर डायरेक्टर प्रिंस सैनी सर एंड सेंटर मैनेजर Sween ma'am. As a part of nice family, they both of us always strengthened me through thick and thin, not in the professional, but they always assist me in the personal life. परंतु इस पीरियड के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एम्प्लॉयज की लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा है। और अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, नाइस की बात करूं, तो लॉकडाउन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कहना कि हम सब एक फैमिली हैं और आपकी किसी भी तरह की पर्सनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हम आपके साथ खड़े हैं और उसको पूरी तरह से निभाना, ये बहुत एक बड़ी बात होती है। और टाइम टू टाइम सेशंस के द्वारा, ऑनलाइन सेशंस के द्वारा हर एक टीम मेंबर को उसकी प्रॉब्लम को सुनना, उसके सॉल्यूशन देना और टाइम का सही उपयोग करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को
अच्छा बनाना ये और सारा काम बिना पर्सनल बेनिफिट के करना, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और इसीलिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 5 out of 5 दूंगा। सो आई एम प्राउडली नाइस, थैंक यू। एज पर द पर्सनल लाइफ आई वुड से दैट Sween ma'am has given us so many little tasks to do, which really help us to know ourselves more profoundly and to think about our lives to keep them better and do something very productive, which we didn't do due to the lack of time. As far as the financial side is concerned, then Saini sir assured us that he would be there for us in every possible way, and actually he was there for us. So that was really appreciative of them, and this is what really makes me to give nice 5 out of 5 stars, and I feel so blessed to be a part of this this nice team, and I just love nice, and I am proudly nice. जैसे कि आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन में बहुत सी अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं था कि लाइफ एकदम से रुक सी जाएगी, क्या चेंजेस आएंगे, तो हमें भी बहुत लगता था कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बट मैम एंड सर ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में हमारी हेल्प की है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनली हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्होंने हमें टाइम टू टाइम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बोला और हमारी हेल्प की है, हमें मोटिवेशन सेशन प्रोवाइडेड किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस से हमारे को ऐप्स का यूज़ करने का और टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे करनी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। एक्चुअली मैंने कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, बट अब मैंने लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि मुझे सीखने को मौका मिला है। नाइस कंप्यूटर्स ने ना कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया लॉकडाउन के दौरान। स्वीन मैम एंड सैनी सर ने हमें टाइम टू टाइम ऑनलाइन सेशंस देके हमें जो है कॉन्फिडेंस हमारा इम्प्रूव किया, एंड हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव किया, इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारी मोटिवेशन दी, एंड हमें बताया कि कैसे लॉकडाउन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे टैकल करना है, कैसे मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारी फिनेंशियली फिजिकली मेंटली हर तरह की जो है हेल्प की है। बस इतना चेंज था कि जो काम हम नाइस कंप्यूटर्स में कर रहे थे जाके, वो हम अपने घरों में कर रहे थे ऑनलाइन। सो यस, ये एक छोटा सा चेंज था, बाकी एज इट इज़ हम वैसे ही जो है प्रोफेशनली वही काम कर रहे थे जो हम पहले कर रहे थे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये सारा मेरा। Here I would like to talk about the contribution which were made by our organization towards their team and throughout this lockdown period. As we not only got the financial security, as we do not have to worry about the financial aspects because we all got paid in this time frame, and as per the personal level is concerned, we all been able to attend so many live and webinar sessions during which we were able to understand ourselves and so many other aspects of our life. So I believe that throughout this time period, I didn't feel any kind of laziness in me, because as we were continuously in touch with each other, and with time to time we have attended so many seminars. ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਈਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਸਵੀਨ ਮੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਣੀ ਸਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੋਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Thank you, ma'am and sir. I am feeling proud that I am a part of NICE Institute. Thank you. You know that people had a lot of problems in these days, and I was one of them. But ma'am and sir both come to help, and I did not have a laptop and could not understand what to do at home. So they gave me laptop to continue my course. Additionally, she told me to invest this time in myself by reading more books and learning new things. Previously, I did not have any experience to taking online classes, but now I can do this without any hesitation. Thank you, ma'am and sir, and Sandeep sir also. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਣੀ ਸਰ ਅਤੇ ਸਵੀਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਈ ਮੈਡਿਊਲਸ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕਾਮ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰ ਆਊਟ ਆਫ 5 to 5 ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੇ ਪੁੱਛ ਸਕਤੀ ਥੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਨੇ ਇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੈਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਮੇਂ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਥੀ ਵੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਖਾ ਐਂਡ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੋ ਯੇ ਸਭ ਮੈਮ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਭੀ ਨਾਈਸ ਕੇ ਸਭੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਬ ਸੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ। बच्चों के लिए अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन रखा गया, और जो जरूरतमंद बच्चे थे जो नहीं फीस पे कर पा रहे थे या नहीं फीस पे कर सकते थे जिनके पेरेंट्स को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे इस लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए फीस की भी एडजस्टमेंट की गई, उनको बिना फीस के पढ़ाया गया और उनसे पिछले 2 महीनों के कोई चार्जेस नहीं लिए गए। मैं बात करूँ तो आई विल लाइक टू ग्रेड, मैं पूरी मैनेजमेंट को 5 में से 5 स्टार्स देना चाहूँगा, एंड आई लव टू से आई एम प्राउडली नाइस। थैंक यू वेरी मच। हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी, कंधे से कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब
मिलते